तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं जानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादातर लड़कियाँ देखेंगी या फिर पेरेंट्स देखेंगे, क्योंकि ये है ही गवर्नमेंट रेसिडेंशियल वुमेन्स पॉलिटेक्निक। मतलब सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, गर्ल्स कॉलेज की तरह आप समझ सकते हो। यहाँ पे बॉयज़ को एडमिशन नहीं मिलता है। ऐसे मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, ऐसे महाराष्ट्र में दो ही कॉलेजेस के, एक लातूर में है और एक तासगांव में है। तासगांव कहाँ पर आता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लातूर तो डिस्ट्रिक्ट आपको पता ही होगा, तो उसका तो ऑलरेडी रिव्यू मैंने किया है लातूर कॉलेज का, वो आप चेकआउट कर सकते हो अभी तक देखा नहीं है तो। उसके बाद रिक्वेस्ट आए, कमेंट्स आए सर कि तासगांव का जो वुमेन्स पॉलिटेक्निक है उसका भी बताइए हमको उसके बारे में पूरे डिटेल में, ताकि हमें डिसीजन लेने में मदद हो जाए। तो हम यार फिर से एक वीडियो में आए हैं, ये देखेंगे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल वुमेन्स पॉलिटेक्निक जो है तासगांव में, ठीक है। इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन जानेंगे, कोर्सेज कौन से हैं डिटेल में देखेंगे, उस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, जॉब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितनी अपॉर्चुनिटी है, हॉस्टल के बारे में जानेंगे। ऑफ कोर्स यार गर्ल्स हॉस्टल है तो हॉस्टल तो होना ही चाहिए, ठीक है, वो भी देखेंगे। फीस का स्ट्रक्चर देखेंगे इस कॉलेज का कैसा है, और लास्ट ईयर का कट ऑफ भी देखेंगे कैसा था, ताकि आपको एक अंदाज़ा आ जाए, ठीक है। ओके, तो सारी लड़कियां, लड़के, पेरेंट्स जो भी देख रहे हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे लाके रहता हूँ, लाके देता हूँ आपको। और मैं इसके बाद पूरी तरीके से कोर्सेज भी हमारे लॉन्च हो रहे हैं जो कि आपके लिए फ्रीली अवेलेबल होंगे इस चैनल पर, ठीक है। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो वो भी अलग से आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं सब कुछ फ्रीली यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। डिप्लोमा के अभी तक मैंने फर्स्ट सेकंड चैप्टर भी अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक का, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टीट्यूट का इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है, ओवरव्यू। तो नाम तो आपको पता ही है कॉलेज का, ये DTE के पुणे रीजन में आता है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस अगर कॉलेज का आप जान चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, माने राजूरे रोड, तासगांव, सांगली, ये कॉलेज का एड्रेस है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सांगली है, तासगांव सांगली डिस्ट्रिक्ट में आता है। आई होप जितने भी लोग महाराष्ट्र में होते होंगे उन सबको डिस्ट्रिक्ट के नाम तो पता होते हैं, तो पिन कोड ये आप देख सकते हो। इसके बाद ये कॉलेज शुरू हुआ है 2009 में, ईमेल आईडी है कॉलेज का ऑफिशियल, और वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हो, वेबसाइट का एड्रेस भी आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। ये हो गई यार बेसिक इन्फॉर्मेशन, इसको तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि आप गूगल मैप पे भी अगर कॉलेज का नाम डालोगे तो भी एग्जैक्ट एड्रेस बता देगा। तो फिर भी मैं बताता हूँ आपको, हॉस्टल के बारे में तो जानने ही वाले हैं, उसके पहले मैं बता देता हूँ हाउ टू रीच, मतलब कैसे कॉलेज को पहुँचना है आपको, ताकि यार आपको कोई आप किसी को पूछोगे ऐसे कैसे जाना है तो डायरेक्टली आप समझ ले लो कि ऐसे जाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, अगर आप रेलवे स्टेशन से जा रहे हैं मतलब ट्रेन से जा रहे हैं, तो भिलवड़ी नाम का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे उतर के आप 15 किलोमीटर ट्रैवल करके कॉलेज को पहुँच सकते हो, ठीक है, बाय ट्रेन। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस स्टैंड तासगांव बस स्टैंड है ही, वहाँ पे सिर्फ वहाँ से 5 किलोमीटर कॉलेज दूर है। अगर आप कहीं से फ्लाइट से आ रहे हो तो कोल्हापुर नज़दीक एयरपोर्ट है इसका, तो वहाँ से आपको 80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा कॉलेज तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स यार हॉस्टल के बारे में अगर बात करते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल तो होगा ही नहीं, क्योंकि बॉयज़ को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स हॉस्टल है। वुमेन्स पॉलिटेक्निक का मतलब होता है सिर्फ गर्ल्स के लिए। तो यार यहाँ पे देख सकते हो टोटल गर्ल्स का इंटेक होता है हॉस्टल में 776, उसमें से फर्स्ट ईयर की लड़कियाँ होंगी 360, ठीक है। आप कॉलेज को कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हो इसके बारे में, और अगर आप इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आपको तो, ठीक है। तो आगे बात करते हैं यार कोर्सेज कौन से अवेलेबल हैं यहाँ पर इस कॉलेज में। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, कॉलेज तो प्योरली गवर्नमेंट है, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज है, बराबर, मतलब सिलेबस जो होगा MSBT की तरफ से इसका चलेगा, एग्जाम भी MSBT की तरफ से चलेंगे, सब कुछ पेपर पैटर्न वगैरह MSBT का होगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं चॉइस कोड, आपको तो ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त तो वहाँ पर देखे जाएंगे, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कोर्सेज के जानते हैं हम, जनरल शिफ्ट में सारे के सारे कोर्सेज चलेंगे, ठीक है। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, ड्रेस डिजाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग।
तो यार सारे के सारे कोर्सेस है जो कि होने चाहिए और जो आजकल बहुत सारा ज़्यादा बच्चे लेना चाहते हैं जिनमें एडमिशन, वो सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। कंप्यूटर के साथ साथ आईटी भी अवेलेबल है, तो जिनको कंप्यूटर में एडमिशन नहीं मिलता है मेरिट हाई होने की वजह से, वो आईटी में ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर और आईटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो चेकआउट कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप कन्फ्यूज रहे हैं कि कंप्यूटर या आईटी में क्या फ़र्क होता है तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सबके सब ऑफकोर्स फीमेल से ही होंगी, मेल को एडमिशन नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कौन सी ब्रांच कब शुरू हुए। तो सबसे पुरानी ब्रांच तो 2009 में यहाँ पे मुझे दिख रही है ड्रेस डिज़ाइनिंग, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आईटी और कंप्यूटर शुरू हुई, उसके बाद शुरू हुई इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद शुरू हुई सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, तो इंटेक हर एक ब्रांच में इंटेक 60 है, सिवाय ये जो मैकेनिकल है उसमें सिर्फ 30 इंटेक है, टोटल 390 इंटेक है पूरे कॉलेज में। ठीक है, तो सबको हॉस्टल मिलेगा, सबको हॉस्टल मिलेगा क्योंकि ये वुमेन्स पॉलिटेक्निक है, तो हॉस्टल के आपको वहाँ पे कन्वीनियंट है क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल किया जाएगा आपके लिए, हर एक को हॉस्टल मिलेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी। तो यार देखते हैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इस कॉलेज में, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपका जॉब मिलने का कितना अपॉर्चुनिटी। तो इस कॉलेज ने बोला है वेबसाइट पे अपने कि इतनी सारी कंपनियां हमारे कॉलेज में आती हैं विजिट करने के लिए, या फिर इतने सारे कंपनियों में हमारे बच्चे जो लड़कियाँ हैं वो उनको जॉब मिला है। तो जॉन डियर है, एशियन पेंट है जिनके नाम आप जानते होंगे, कमिंस है, टाटा है, उसके बाद महिंद्रा है, टाटा मोटर्स, थॉट वर्क्स, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है, और यही बड़ी बात होती है। ठीक है, उसके बाद यार कुछ डेटा देखते हैं, पिछले साल का मतलब 2020-21 का डेटा है, कुछ बच्चे प्लेस हुए हैं भी या नहीं ये भी देखते हैं। तो बजाज ऑटो की अगर बात करते हैं, मैकेनिकल के यहाँ पर 12 बच्चे प्लेस हुए हैं, 12 बच्चों को जॉब मिला है। विप्रो में कंप्यूटर के 4 बच्चे, विप्रो में फिर एक आईटी का एक हुआ है। जीई एविएशन में मैकेनिकल के 6 और इलेक्ट्रिकल के 5 हुए हैं। ये कंपनी के नाम है, ठीक है, ये सारे क्या है कंपनी के नाम है, ये कोर्सेस के नाम है उन बच्चों के कोर्सेस, और ये कितने बच्चे कौन से कंपनी में प्लेस हुए हैं। ठीक है, आरडीसी में सिविल का एक प्लेस हुआ बच्चा, मतलब मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सारे के सारे गर्ल्स होंगी ना। तो कमिंस में इलेक्ट्रिकल की 9 लड़कियाँ, डीएक्सी कंपनी में कंप्यूटर की 1, स्पाइसर में इलेक्ट्रिकल की 7, केपीआईटी में कंप्यूटर की 1, केपीआईटी में आईटी की 4, गैब्रियल में एनटीसी की 8 और फिलिप्स में एनटीसी की 2। तो यहाँ पे यार प्लेसमेंट अच्छा है अगर आप स्किल्स अपने डेवलप करते हो, कम्युनिकेशन डेवलप करते हो, और एडमिशन लेने के बाद पढ़ाई अच्छे से करके अपना एकेडमिक स्कोर है वो अच्छा रखते हो, तो यार इंटरव्यू के लिए आप ज़रूर क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू, और जॉब भी हासिल कर सकते हो अगर आप डिप्लोमा के बाद जॉब करना चाहते हो तो ऑफकोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो मैं यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके डिटेल में पढ़ सकते हो, फिर मैं यहाँ पे ओवरव्यू बता देता हूँ आपको। तो मैंने ये ऑथराइज वेबसाइट जो है कॉलेज से वहाँ से लिया हुआ है फीस स्ट्रक्चर। तो ओपन के लिए ये मैं फर्स्ट ईयर की बात करते हैं पहले, ठीक है, ओपन के लिए 9014 है टोटल फीस। उसके बाद यार यहाँ पे देख सकते हो जिम खाना 200, ग्रंथालय मतलब लाइब्रेरी का 200 रुपया, वहाँ पे डिपॉजिट का 200, इंटरनेट का फीस है 150, वो सब एक साल में भरना है, हर महीने का नहीं है, पूरे ईयर का ये फीस हो गया। तो पूरे ईयर का 10,000 के आसपास आपका टोटल फीस है। वही अगर एससी एसटी एनटी की बात करते हैं तो 3,000 है, और ओबीसी की बात करते हैं 6,000 है, ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000 और टीएफडब्ल्यूएस के लिए 3,000। ठीक है, अगर डायरेक्ट सेकंड ईयर में कोई एडमिशन ले रहा है इस कॉलेज में तो उनके लिए भी यार बता देते हैं। ठीक है, तो ओपन के लिए 9,000 के आसपास पकड़ के चल सकते हो, 3,000 एससी एसटी एनटी जो भी है, ओबीसी के लिए भी 6,000, मतलब ये थोड़ा सा फ़र्क है इधर 20-25 रुपये, जो भी 15-20 रुपया, सेम ही फीस है डायरेक्ट सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की। ठीक है, तो आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया है। उसके बाद बात करते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितना कट ऑफ जा सकता है इस कॉलेज का, इसके आसपास आएगा इस साल का भी, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ ये स्टेट लेवल पे एडमिशन होता है, वुमेन्स पॉलिटेक्निक के लिए होम डिस्ट्रिक्ट अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट जो बाकी कॉलेज के लिए अप्लाई होता है वो यहाँ पर नहीं होता, वुमेन पॉलिटेक्निक के लिए स्टेट लेवल पे एडमिशन होगा। तो पूरे स्टेट के जितनी भी लड़कियाँ होंगी सबको एक ही तरह का एडमिशन मिलेगा, फिर वो सांगली डिस्ट्रिक्ट से हो या सांगली से बाहर हो, महाराष्ट्र की सारी लड़कियाँ उन्हें एक ही लेवल पे गिना जाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अगर बात करते हैं यहाँ पर हम, तो पिछले साल जो है 94 का कट ऑफ लगा था ओपन के लिए,
ठीक है, एससी के लिए 84, एसटी के लिए 77, 91, एनटी के लिए, ओबीसी के लिए 89, ईडब्ल्यूएस 95 और टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है 97। तो यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि देखो लड़कियों के दो ही कॉलेजेस है गवर्नमेंट वाले, तो यहाँ पे कट ऑफ तो ऑफकोर्स ज़्यादा ही रहेगा। फिर भी आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो स्पेशल लड़कियों का कॉलेज चाहिए तो ज़रूर आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग वगैरह ये जो होता है, इनमें भी बहुत सारी लड़कियों का इंटरेस्ट होता है ये कोर्स करने में। मैकेनिकल में भी आप ट्राई कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल में कट ऑफ बहुत कम है। अगर आप, मतलब ऐसा नहीं करना है कि भाई कंप्यूटर नहीं मिला तो मैकेनिकल ले लेते हो, नहीं, अगर आप कंप्यूटर चाहिए या फिर आईटी चाहिए तो आप इस कॉलेज में नहीं मिला तो किसी और में ले सकते हो। ब्रांच कोर्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो आपका पैशन है अंदर से, जो फील करते हो आप, उसमें ही करियर करना है आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इस कॉलेज में मुझे कोई और ब्रांच मिलती है तो ले लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा भी वहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, अगर फर्स्ट ईयर में अगर आपको मैकेनिकल मिलती है तो सेकंड ईयर में क्या आप ब्रांच चेंज कर सकते हो, कोर्स चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर आप इंक्वायरी करके पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने पूरी तरीके से इस कॉलेज के बारे में बता दिया है जितना भी आपके लिए ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा आपकी वजह से, ठीक है, और चैनल को ग्रो होने में भी मदद होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो में।